हाँ सीमा चौधरी आ गई, रेखा चौधरी, सीमा चौधरी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रेखा चौधरी, सीमा चौधरी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग रेखा। हिमानी यादव भी आ गई, रेखा चौधरी, सीमा चौधरी, हिमानी यादव। सीमा चौधरी, रेखा चौधरी, हिमानी यादव। भावना चलसी, अंशु शर्मा, सुमन चौधरी, सोनू कुमारी, निकिता शर्मा, मोनिका मीना, हिमानी यादव, सीमा चौधरी, भावना चलसी, भावना चलसी, अंशु शर्मा, रेखा चौधरी, सोनू कुमारी, सुमन चौधरी, मोनिका मीणा, तनुश्री मैम सोलंकी। हाँ बेटा बोलो बोलो। तनुश्री सोलंकी, मोनिका मीणा, निकिता शर्मा, तनुश्री सोलंकी। हाँ बेटा, अब कल अपन कर रहे थे शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी थ्योरीज, एपिकल मेरिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज ले रहे थे। कल अपन ने की थी एपिकल सेल थ्योरी, मतलब अग्रस्थ कोशिका सिद्धांत और ट्यूरिका कॉर्पस थ्योरी। तो अब लेते हैं रीव्स तथा फॉस्टर के द्वारा, रीव्स तथा फॉस्टर के द्वारा ट्यूरिका कॉर्पस सिद्धांत के लचीलेपन के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए गए। मतलब रीव्स तथा फोस्टर ने ट्यूरिका कॉर्पस सिद्धांत के लचीलेपन के बारे में कुछ तथ्य प्रस्तुत किए। पहला था, विभिन्न पादप प्रजातियों में ट्यूरिका परत में कोशिका पंक्तियों में पर्याप्त विविधता दिखाई देती है। तो मौसम में बदलाव के कारण ट्यूरिका परत में कोशिका पंक्तियों की संख्या भी परिवर्तित होती है। तो रीव्स के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण एक विशेष प्रक्रिया पौधों में देखी जाती है, जिसे घटना अंतराल आवर्तिता कहते हैं। तो रीव्स ने क्या बताया बेटा,
चूंकि सीजनल वेरिएशंस होते हैं, मौसम में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, तो पौधों में एक विशेष प्रक्रिया देखने को आती है जिसे कहते हैं घटना अंतराल आवर्तिता, घटना अंतराल आवर्तिता। दूसरा है टुनिका एवं कॉर्पस परतों के बीच सीमा रेखा स्पष्ट नहीं होती। अनेक बार तो यह भी देखा गया है कि एक ही पादप प्रजाति में यह अलग अलग समय पर अलग अलग हो सकती है, और कुछ उदाहरणों में यह भी देखा गया है कि दोनों क्षेत्रों के बीच स्पष्ट विभेदन एवं सीमा रेखा नहीं पाई जाती, कि दोनों क्षेत्रों जैसे कि टुनिका है वह कॉर्पस के बीच स्पष्ट विभेदन एवं सीमा रेखा नहीं पाई जाती। यह भी अनुमान मुश्किल होता है कि टुनिका परत कहाँ खत्म होती है तथा कॉर्पस परत कहाँ से चालू होती है। तो अपन अब लेते हैं हिस्टोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट, ऊतकजनी परत सिद्धांत। ऊतकजनी परत सिद्धांत, तो ये हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी डरमन ने डरमन ने प्रस्तुत किया था। डरमन ने टुनिका सिद्धांत में प्रस्तुत तथ्यों से अपनी असहमति प्रस्तुत की। डरमन के अनुसार पौधों के अग्रस्त सिरों या वृद्धिकारी शीर्षों पर अनेक विभाज्योतिकी स्तर पाए जाते हैं। इनकी आधारभूत संख्या 3 है, लेकिन ये 3 से अधिक होते हैं। इन मेरिस्टेमेटिक लेयर्स को कोई विशेष नाम ना देकर L1, L2, L3, L4 इत्यादि नामकरण दिया गया है। एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, डरमन की एक स्लाइड शेयर कर देती हूँ, ठीक है। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी यही बता रही हूँ बेटा मैं। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी में अकॉर्डिंग टू डरमन के अनुसार द टर्म्स टुनिका एंड कॉर्पस डू नॉट हैव फिक्स्ड वैल्यूज एंड दे फॉल शॉर्ट ऑफ हैविंग रियल मीनिंग हिस्टोजेनेटिकली। तो डरमन रिकॉग्नाइज्ड 3 बेसिक हिस्टोजेनिक लेयर्स इन ऑल द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स व्हिच वर referred to as L1, L2 and L3 layers. तो बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं? ऊतकजनी परत सिद्धांत, हिस्टोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट। तो डरमन ने हिस्टोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट को प्रस्तुत किया था, और डरमन के अनुसार की 3 बेसिक हिस्टोजेनिक लेयर्स जो पाई जाती हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में वो हैं L1, L2 and L3 layers. कौन कौन सी है? L1, L2 and L3 layers. और ये 3 से अधिक भी होती है, तो इन विभाज्योतिकी परतों को कोई विशेष नाम ना देकर L1 layer, L2 layer, L3 layer and L4 layer नामकरण दिया गया है। तो डरमन के अनुसार L1 बाह्य त्वचा बनाती है तथा L2 बलकुट एवं संवहन ऊतक का भारी भाग बनाती है। मतलब डरमन के अनुसार द एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम एंड लीव्स इज डिराइव्ड फ्रॉम L1। तो L1 परत L1 लेयर क्या बनाती है? एपिडर्मिस का निर्माण करती है, बाह्य त्वचा का निर्माण करती है। L2 लेयर फॉर्म्स L3 लेयर्ड हाइपोडर्मिक ऑफ स्टेम्स इन सम केसेस इनर कॉर्टिकल टिश्यूज। L2 लेयर क्या बनाती है? इनर कॉर्टिकल टिश्यूज का निर्माण करती है। एंड इट मे आल्सो कंट्रीब्यूट टू ए पोर्शन ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू। तो डरमन ने क्या बताया कि जो L1 लेयर है तो L1 लेयर बाह्य त्वचा बनाती है, वह L2 लेयर बलकुट एवं संवहन ऊतक का बाहरी भाग बनाती है, तथा L3 परत संवहन ऊतक के शेष भाग एवं मज्जा के निर्माण के लिए उत्तरदायी होती है। तो डरमन ने इन विभाज्योतिकी परतों को ऊतकजन कहा है। कौन कौन सी मेरिस्टेमेटिक लेयर्स हैं? L1 लेयर, L2 लेयर, L3 लेयर। तो डरमन ने इन मेरिस्टेमेटिक लेयर्स को क्या कहा? ऊतकजन कहा। तो मोटे तौर पर देखने से यह सिद्धांत हाइंस्टीन द्वारा प्रस्तुत
हिस्टोजन सिद्धांत के समान ही प्रतीत होता है। यहाँ केवल नामों का अंतर है, मतलब आजकल हिस्टोजेनिक लेयर कॉन्सेप्ट की कोई मान्यता नहीं है। अब अपन देखते हैं मेंटल कोर थ्योरी, मेंटल कोर सिद्धांत। तो यह विचारधारा मेंटल कोर थ्योरी पॉ फार्म एवं चान के द्वारा 1950 में प्रस्तुत की गई थी। तो मेंटल कोर थ्योरी किसने दी थी? पॉ फार्म एवं चान ने प्रस्तुत की थी। इस थ्योरी के अनुसार मेंटल कोर थ्योरी के अनुसार प्ररोह शीर्ष पर विभाज्योतकी कोशिकाएं दो परतों में विभेदित होती हैं। मतलब मेंटल कोर थ्योरी के अनुसार शूट एपेक्स पर जो मेरिस्टेमेटिक लेयर्स हैं वो दो परतों में विभेदित होती हैं। बाहरी क्षेत्र की कोशिकाएं एक गुंबद आकार आकृति के रूप में व्यवस्थित होती हैं और इस क्षेत्र को मेंटल कहते हैं। केंद्रीय भाग की विभाज्योतकी कोशिकाओं के समूह को पिंड कहते हैं, मतलब कोर कहते हैं। तो यह विचारधारा मतलब मेंटल कोर सिद्धांत ट्यूनिका कॉर्पस सिद्धांत का ही एक संशोधित प्रारूप कहा जा सकता है। एक बार ममता शर्मा को एडमिट कर दें, कहा जा सकता है। तो केंद्रीय भाग की विभाज्योतकी कोशिकाओं के समूह को पिंड कहा जाता है, कोर कहा जाता है। और यह विचारधारा मतलब मेंटल कोर थ्योरी ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी का ही एक संशोधित प्रारूप कहा जा सकता है, जिसमें पिंड की विभाज्योतकी कोशिकाओं को फिर से तीन उप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो मेंटल क्षेत्र की कोशिकाएं अपनतिक रूप से विभाजित होती हैं तथा यह एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं, जबकि पिंड अथवा कोर को तीन उप क्षेत्रों में विभेदित किया गया है। बेटा दो मेंटल क्षेत्र की कोशिकाएं क्या करती हैं? डिवाइड एंटीक्लाइनली, मतलब मेंटल क्षेत्र की कोशिकाएं तो सदैव अपनतिक विभाजन करती हैं, जबकि कोर की पिंड की कोशिकाएं तीन उप क्षेत्रों में विभेदित की गई हैं। मतलब अब कौन कौन से हैं तीन क्षेत्र? सब एपिकल मेरिस्टम, उप शीर्ष विभाज्योतकी कोशिकाएं। दूसरा है पेरिफेरल मेरिस्टम्स, परिधीय विभाज्योतक। और तीसरा है सेंट्रल मेरिस्टम, केंद्रीय विभाज्योतक। तो एक स्लाइड और शेयर करती हूँ, रुको एक स्लाइड और शेयर करती हूँ, एक स्लाइड स्लाइड शेयर पे देखते हैं बेटा। ये तो है ब्यूवेट का सिद्धांत, ब्यूवेट का है, दिख रही है ये? नहीं, स्टॉप शेयर। दूसरी हाँ बेटा, ये है किसकी बात चल रही है अपन को, मेंटल कोर थ्योरी की। एन्यू इनिशियल बाद में दिखाएंगे। तो ये देखना बेटा क्या है, मेंटल क्षेत्र की कोशिकाएं सदैव अपनतिक रूप से विभाजित होती हैं और एक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं, जबकि पिंड अथवा कोर को तीन उप क्षेत्रों में विभेदित किया गया है। तो एक है सब एपिकल मेरिस्टम, तो इस क्षेत्र की कोशिकाओं को प्ररोह की वृद्धि में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, परंतु वनस्पति शास्त्रों के अनुसार ये पिंड क्षेत्र का बाहरी स्तर है, जिससे जिसकी कोशिकाओं में धीमी गति से विभाजन होते हैं। तो ये आप देख रहे हो, एक तो है जिसकी कोशिकाओं में, ये देख रहे हो शूट एपिकल मेरिस्टम डायग्राम दिख रहा है। तो ये है, एक है पेरिफेरल मेरिस्टम, दूसरा है परिधीय विभाज्योतक। तो ये कोशिकाएं अंदर की ओर स्थित होती हैं और जब ये सक्रिय होती हैं तो इनकी सक्रियता के कारण वल्कुट एवं प्राक एधा प्रोकैम्बियम का निर्माण होता है। मतलब पेरिफेरल मेरिस्टम की बात कर रहे हैं, तो परिधीय विभाज्योतक ये कोशिकाएं अंदर की ओर स्थित होती हैं और जब ये सक्रिय होती हैं तो इनकी सक्रियता के कारण वल्कुट एवं प्राक एधा का निर्माण होता है। इसी प्रकार केंद्रीय विभाज्योतक सेंट्रल मेरिस्टम, तो पिंड क्षेत्र की ये सबसे भीतरी कोशिकाएं हैं,
तथा इनकी सक्रियता के कारण मज्जा का निर्माण होता है। अधिकांश वनस्पति शास्त्री इस सिद्धांत से असहमत है क्योंकि पिंड क्षेत्र की विभाज्योतिकी कोशिकाओं के विभेदन स्पष्ट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं फ्रांसीसी विचारधारा, फ्रेंच स्कूल कॉन्सेप्ट। तो प्ररोह की विभाज्योतिकी कोशिकाओं की कार्य प्रणाली को समझने के लिए यह सिद्धांत अनेक फ्रांसीसी वनस्पति शास्त्रियों जैसे प्लैंडीफॉल, ब्यूवेट तथा कैमेफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मतलब फ्रेंच स्कूल कॉन्सेप्ट, फ्रांसीसी विचारधारा, प्लैंडीफॉल, ब्यूवेट व कैमेफोर्ड के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार, फ्रेंच स्कूल कॉन्सेप्ट के अनुसार, तने के विभाज्योतक तीन क्षेत्रों में विभेदित होते हैं। तने के विभाज्योतक तीन क्षेत्रों में विभेदित होते हैं। एक बता रही हूँ मैं कौन कौन से हैं। ये वाला डायग्राम अभी निकाल के देखते हैं। देखो तने के विभेद एक तो है बेटा एन्यू इनिशियल परिधीय क्षेत्र, एक है मेरिस्टम डी अटेंटे और वेटिंग मेरिस्टम। तो प्रतीक्षारत विभाज्योतक ये देख रहे हो आप इस डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है मेरिस्टेम डी अटेंटे किसको मिलकर बनता है प्रो मेरिस्टेम स्पोरोजीन एंड प्रो मेरिस्टेम रिसेप्टेक्यूलेन। ठीक है, इसकी बात चल रही है। तो अपन इस सिद्धांत के अनुसार, फ्रेंच स्कूल कॉन्सेप्ट के अनुसार, तने के विभाज्योतक तीन क्षेत्रों में विभाजित होते हैं। एक तो है एन्यू इनिशियल। तो एन्यू इनिशियल इस क्षेत्र की विभाज्योतिकी कोशिकाएं तने के बाहरी या परिधीय क्षेत्रों जैसे बाह्य एवं बलकुट की भारी परतों का अंतस्थ त्वचा का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार प्रतीक्षारत विभाज्योतक मेरिस्टम डी अटेंटे और वेटिंग मेरिस्टम, मतलब प्रतीक्षारत विभाज्योतक को क्या कहते हैं, वेटिंग मेरिस्टम। ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है इस क्षेत्र की कोशिकाएं सक्रिय नहीं होती, मतलब प्रतीक्षारत विभाज्योतक क्षेत्र की कोशिकाएं एक्टिव नहीं होती, सक्रिय नहीं होती तथा पुष्पन के समय, फ्लावरिंग के समय ही आवश्यकता पड़ने पर सक्रिय होकर पुष्पक्रम एवं पुष्पों का निर्माण करती हैं। मतलब जो वेटिंग मेरिस्टम है उसकी सेल्स वैसे तो सक्रिय नहीं होती, लेकिन जब पुष्पन होता है, पादप में, प्लांट में फ्लावरिंग होता है, तो ये वेटिंग मेरिस्टम की कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं और इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम व फ्लावर्स का निर्माण करती हैं। तो यह विभाज्योतिकी कोशिकाएं भारी परत के ठीक नीचे पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? भारी परत के ठीक नीचे पाई जाती हैं। एक है मज्जा विभाज्योतक मेरिस्टम मेड्यूलेर। तो यह विभाज्योतिकी कोशिकाएं प्ररोह शीर्ष के केंद्रीय भाग में अवस्थित होती है तथा इनकी सक्रियता से संवहन ऊतकों एवं मज्जा का निर्माण होता है। तो वेटिंग मेरिस्टम प्रतीक्षारत विभाज्योतक की परिकल्पना इस विचारधारा का सर्वाधिक विवादास्पद बिंदु कहा जा सकता है, क्योंकि अधिकांश वैज्ञानिकों के अनुसार प्ररोह शीर्ष में उपस्थित सभी विभाज्योतक सक्रिय एवं कार्यक्षम होती हैं, तो प्रतीक्षारत विभाज्योतक जैसी कोई चीज नहीं होती। अब लेते हैं न्यूमैन का मत, न्यूमैन्स कॉन्सेप्ट। तो प्ररोह शीर्ष में विभाज्योतिकी कोशिकाओं के संगठन को समझाने के लिए न्यूमैन के द्वारा नवीन विचारधारा प्रस्तुत की गई। तो इसके अनुसार वेस्कुलर प्लांट्स संवहनी पौधों के विभिन्न समूहों में पाए जाने वाले प्ररोह शीर्ष संगठन को किसी एक सिद्धांत के आधार पर समझना अत्यंत कठिन कार्य है। तो न्यूमैन के अनुसार शूट एपेक्स प्ररोह शीर्ष में पाई जाने वाली अधिक या विभाज्योतिकी कोशिकाओं को सतत विभाज्योतिकी अवशिष्ट कोशिकाएं, कंटिन्यूइंग मेरिस्टमेटिक रेसिड्यू कहा जा सकता है। इसके साथ ही
उन्होंने यह भी बताया कि विभिन्न पादप समूह में तीन प्रकार के प्ररूप शीर्ष पाए जाते हैं। यूबेन ने बताया कि पादप समूह में तीन प्रकार के शूट एपेक्स पाए जाते हैं। तो एक स्लाइड मैं और शेयर कर देती हूँ यूमेन ने जो बताया था इसकी कॉन्सेप्ट की, हम देखते हैं भी खोल के इसको शूट एपेक्स। हाँ ये देखना आप, इसको एनलार्ज कर देती हूँ यूमेन। देखो बेटा ये है टाइप्स ऑफ शूट एपेक्स जो मैं कहने जा रही हूँ। टाइप्स ऑफ शूट एपेक्स जो कि न्यूमैन ने बताई थी, एक तो है मोनोप्लेक्स टाइप, एक है सिंप्लेक्स टाइप, एक है डुप्लेक्स टाइप। दिखाई दे रही है ये, एक है डुप्लेक्स टाइप। तो न्यूमैन ने क्या बताया, न्यूमैन ने बताया पादप समूह में तीन प्रकार के प्ररोशीर्ष पाए जाते हैं, वह है मोनोप्लेक्स टाइप। मोनोप्लेक्स टाइप ए डायग्राम में देख रहे हो, और सिंप्लेक्स टाइप बी डायग्राम में मैं घुमा रही हूँ, और डुप्लेक्स टाइप सी डायग्राम में। तो मोनोप्लेक्स टाइप क्या है, इन दिस टाइप ऑफ शूट एपेक्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर इन द फॉर्म ऑफ सुपरफिशियल लेयर एंड सेंटर्ड डाउनवर्ड्स, ओनली वन डिवीजन इज नीडेड फॉर द ग्रोथ, थेरबाय इंक्रीज इन लेंथ एंड ब्रेथ becomes possible। मतलब monoplex type ये जो दिखाया ये डायग्राम में, इस प्रकार का प्ररोशीर्ष संगठन निम्नवर्गीय संवहनी पौधों जैसे ferns इत्यादि में पाया जाता है। जो monoplex type है इसमें मिलता है vascular plants जैसे ferns में पाया जाता है। यहाँ विभाजोतकी कोशिकाएं एकल परत के रूप में एवं भीतर की ओर उन्मुख होती हैं। ये देख रहे हो यहाँ मेरिस्टेमेटिक लेयर्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, विभाजोतकी कोशिकाएं एकल परत के रूप में एवं भीतर की ओर उन्मुख होती हैं, तथा एक ही तल पर विभाजित होकर फर्ज के पैरों की लंबाई में वृद्धि करती हैं। दूसरा है सिंप्लेक्स टाइप, तो ये देखना सिंप्लेक्स टाइप बी डायग्राम में दिखा रहा है। तो इन दिस टाइप ऑफ शूट एपेक्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर पैरेलल साइडेड and divide anticlinally and periclinally। मतलब the meristematic cells are dividing anticlinally and periclinally and give rise to meristematic tissues। They are in the form of superficial layer and the division process is related to one layered cellular organization। This type of shoot apex is found in gymnosperms only। तो ये अपन ने देखा कि किस तरह से अब simplex प्रकार, तो इस प्रकार का प्ररोशीर्ष जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। सिंप्लेक्स प्रकार का जो शूट एपेक्स है वो बेटा जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है, तथा इसकी कोशिकाएं एक या एक से अधिक स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, तथा ये अपनैतिक एवं परिणैतिक रूप से विभाजित हो सकती हैं। नेक्स्ट है डुप्लेक्स प्रकार। डुप्लेक्स प्रकार मतलब आवृत बीजी पौधों में इस प्रकार का डुप्लेक्स टाइप का प्ररोशीर्ष पाया जाता है, तथा इसकी कोशिकाएं दो से अधिक तलों में विभाजित होने की क्षमता रखती हैं, तथा एक से अधिक पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। तो विभाजोतकी कोशिकाओं की बाहरी परत को सतही स्तर सुपरफिशियल लेयर एस कहते हैं, तथा ये केवल अपनतिक रूप से विभाजित होती है, जबकि आंतरिक परतें सभी तलों में विभाजित होती हैं। तो सभी विचारधारों का अध्ययन से ये प्रतीत होता है कि स्तंभ शीर्ष संगठन को समझाने के लिए इनमें से कोई भी विचारधारा पूरी तरह खरी नहीं उतरती, लेकिन फिर भी टुनिका कॉर्पस थ्योरी सभी अवधारणाओं में सर्वाधिक ग्राह्य एवं सुगम परिकल्पना कही जा सकती है। तो अपन ने ये देखा, और एक स्लाइड उसी को शेयर कर देती हूँ लास्ट, है ना, थ्योरीज ऑफ शूट एपिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉप शेयर, इसको तो स्टॉप शेयर कर रही हूँ मैं, ठीक है। दूसरी स्लाइड को शेयर कर देती हूँ अब सर, वर्ड वाली। हाँ अभी अपन ने क्या देख रहे हैं, थ्योरीज ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टेम अपन ने देखी ली। तो एन्यू इनिशियल एंड
मेरिस्टम डी अटेंटिव थ्योरी देखना, तो एनिमिनिशियल एंड मेरिस्टम डी अटेंटिव थ्योरी को ब्यूवेट ने दी थी, तो ब्यूवेट प्रपोज दैट पेरिफेरल एंड सब टर्मिनल रीजंस आर द रियल इनिशिएटिंग जोन्स, दे आर डिस्टल जोन्स, वेयर एज डिस्टल जोन्स आर इनर्ट इन नेचर. तो ब्यूवेट रिकॉग्नाइज थ्री डिस्टिंक्ट रीजंस इन एपिकल मेरिस्टम, द एन्यू, द पेरिफेरल एक्टिव जोन, द मेरिस्टम डी अटेंटिव, द वेटिंग मेरिस्टम, जो बताया आपको द वेटिंग मेरिस्टम, विच बिकम्स एक्टिव ओनली ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस. तो इस प्रकार एंड द मेरिस्टम मेडुलरी सेंट्रल पिथ रीजन, ये जो ब्यूवेट ने आपको दी थी. ठीक है, अब अपन ये तो हो गई शूट एपिकल थ्योरीज की बात. अब अपन बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरनोड्स इन वैस्कुलर प्लांट्स. संवहनी पौधों में पर्व का निर्माण कैसे होता है? तो संवहनी पौधों विशेषकर आवृत बीजी पौधों एंजियोस्पर्म्स के प्रणों में लंबाई में वृद्धि तो अग्रस्त विभाजोतकों एपिकल मेरिस्टम के द्वारा होती है, परंतु इसके अंतर्गत प्रणो अक्ष या तने शूट एक्सिस का इलोंगेशन अर्थात पर्व का विकास इसमें उपस्थित विभाजोतकी कोशिकाओं की एक समान सक्रियता के कारण संभव हो पाता है. तो पर्व का विकास मतलब इंटरनोड का विकास या लंबाई में वृद्धि की यह प्रक्रिया अग्राभिसारी दिशा एक्रोपीटल डायरेक्शन में पर्व के आधारीय भाग से ऊपरी सिरे की ओर क्रमिक रूप से अग्रसर होती है. और इस तथ्य की पुष्टि गैरिसन एवं फिशर तथा फ्रेंच फिशर एंड फ्रेंच द्वारा सूरजमुखी हीलियंथस एनस में एवं अन्य पौधों के प्ररोशीर्ष में किए गए अध्ययन के आधार पर की गई थी. फिशर एवं फ्रेंच के अनुसार विभिन्न एकल बीजपत्री कुलों मोनोकॉट फैमिलीज के पौधों में प्ररोह की लंबाई में वृद्धि के लिए विकासशील पर्व डेवलपिंग इंटरनोड्स में उपस्थित दो प्रकार की मेरिस्टमेटिक सेल्स उत्तरदायी होती हैं. पहला है अनइंटरप्टेड मेरिस्टम्स. अनइंटरप्टेड मेरिस्टम्स मतलब अव्यवधानिक विभाजोतक अनइंटरप्टेड मेरिस्टम्स तथा दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम्स अंतर्वेशी विभाजोतक. इनमें से प्रथम प्रकार की विभाजोतक मतलब अनइंटरप्टेड मेरिस्टम्स की कोशिकाएं धीरे धीरे केवल पर्व के ऊपरी भाग में ही उपस्थित रहती हैं, जबकि तथा ये ऊतक तने के उपशीर्ष विभाजोतक क्षेत्र के पास में पाए जाते हैं. तो प्ररोह के पर्व क्षेत्र में कोशिकाओं का परिपक्वन सेल मैचुरेशन भी एक्रोपीटल मैनर में संचालित होता है. और पर्व में उपस्थित अंतर्वेशी विभाजोतक आइसोलेटेड मेरिस्टमेटिक रीजंस को निरूपित करते हैं जो किसी कारणवश अग्रस या उपअग्रस विभाजोतकी क्षेत्रों से पृथक हो गए हैं. ये अंतर्वेशी विभाजोतक पर्व के आधारीय भाग में उपस्थित होते हैं तथा इनके परिवर्धन का क्रम तलाभिसारी दिशा में संचालित होता है. तो अधिकांश पौधों में अंतर्वेशी विभाजोतकी कोशिकाओं में न्यूनतम विभेदन पाया जाता है. इस प्रकार की विभाजोतकी कोशिकाएं पर्व के आधारीय भाग में पाई जाती हैं, लेकिन कभी कभी पर्व इंटरनोड ऊपरी भाग में भी इनकी उपस्थिति देखी जा सकती है. अब अपना 8:30 हो गए, अब बात करते हैं जैसे कि ब्रांचिंग पैटर्न इन स्टेम, इसकी बात हो गई थी लेकिन थोड़ा बहुत बचा था. तने में शाखन कैसे होता है? तो विभिन्न पौधों की बाह्य संरचना तने पर निर्भर करती है, इसलिए पौधों के स्वभाव एवं इनमें शाखन के आधार पर विभिन्न पादपों को शाख हर्ब्स श्रब्स एवं वृक्षों में विभेदित किया गया है. मतलब जो पौधों की जो बाह्य संरचना है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो किस पर निर्भर करता है बेटा? तने पर निर्भर करता है. तो जिस तरह की पौधों का किस तरह का स्वभाव है एवं पौधों में शाखन कैसा है उसके आधार पर
प्लांट्स को, पादपों को हर्ब्स, श्रब्स एवं ट्रीज में विभेदित किया गया है। तो जैसे कि हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं, उनका तना कोमल होता है और काष्ठीय नहीं होता, बुढ़ी नहीं होता एवं पौधे की ऊंचाई भी अधिक नहीं होती, जबकि अधिकांश शाकीय पौधे मेजोरिटी ऑफ द हर्बेशियस प्लांट्स एक वर्षीय या द्विवर्षीय होते हैं। बेटा जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, शाकीय पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं, या तो एक वर्षीय होते हैं एनुअल्स होते हैं या द्विवर्षीय होते हैं बाइनियल्स होते हैं। झाड़ियों, झाड़ियां एवं वृक्ष बहुवर्षीय पादप होते हैं, और जो श्रब्स हैं, ट्रीज हैं, वो कैसे होते हैं, पेरिनियल्स होते हैं, मतलब झाड़ियां एवं वृक्ष बहुवर्षीय पादप होते हैं तथा इनका तना काष्ठीय होता है, वुडी होता है। इसके अतिरिक्त झाड़ियों की ऊंचाई वृक्ष से कम होती है तथा इनमें एक से अधिक मुख्य अक्ष या तने होते हैं, जबकि वृक्षों में मुख्य तना केवल एक ही होता है। ट्रीज में, वृक्षों में बेटा, ट्रीज में जो मेन स्टेम है, मेन एक्सिस है, वो केवल एक ही होता है। अब बात करते हैं शाखाओं की उत्पत्ति। तो अधिकांश पौधों में शाखाओं की उत्पत्ति दूसरी, तीसरी या इनके बाद की पत्तियों के अक्ष में होती है। शाखाओं की उत्पत्ति के समय पत्तियों की कक्ष में मौजूद ऊतक विभाज्योतकी हो जाता है एवं शीर्षस्थ विभाज्योतक से इसकी निरंतरता स्थापित होकर कलिका विकसित हो जाती है। कुछ समय के बाद यह अग्रस्त विभाज्योतक से पृथक हो स्वतंत्र रूप से अक्षस कलिका के रूप में वृद्धि करती है। तो कौन कौन सी, विभिन्न वृक्षों में शाखित तना दो प्रकार का होता है। टू टाइप्स ऑफ स्टेम इज फाउंड इन द ट्रीज। तो विभिन्न वृक्षों में बेटा शाखित तना दो प्रकार का होता है। एक तो है एक्स करेंट टाइप, एक है डेलीक्वेसेंट टाइप। तो एक्स करेंट टाइप को क्या बोलेंगे, बहिर्वाही एक्स करेंट टाइप। तो इस प्रकार के वृक्षों में मुख्य ऊर्ध्व अक्ष या तना आधारीय भाग में सबसे अधिक मोटाई लिए हुए होता है। तो एक्सकरेंट टाइप में इस प्रकार के वृक्षों में मुख्य ऊर्ध्व अक्ष या तना वर्टिकल ट्रंक आधारीय भाग में सबसे अधिक मोटाई लिए हुए होता है तथा ऊपर की ओर धीरे धीरे पतला होता जाता है। इस ऊर्ध्व एवं वायवीय अक्ष से छोटी क्षैतिज शाखाएं हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस चारों ओर निकलती हैं। नीचे की ओर की शाखाएं मोटी, लंबी एवं सबसे अधिक आयु की होती हैं, जबकि ऊपरी शाखाएं तरुण, कोमल एवं छोटी होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वृक्ष की आकृति शंकु के समान दिखाई पड़ती है। उदाहरण है कैज्यूराइना। अब बात करते हैं डेलीक्वेसेंट टाइप लीनाक्ष। तो इस श्रेणी में उन वृक्ष को रखा गया है जिनमें तने जमीन से कुछ ऊंचाई तक तो शाखा रहित होते हैं, इसके बाद तने से अनेक शाखाएं एक साथ उत्पन्न होती हैं जो तने की मुख्य शाखाएं होती हैं। ये मुख्य शाखाएं बार बार विभाजित होती हैं, इस प्रकार कोई मुख्य स्तंभ नहीं दिखाई पड़ता एवं पार्श्व शाखाएं मुख्य अक्ष से अधिक वृद्धि कर वृक्ष को गोलाकार या गुंबदाकार आकृति प्रदान करती हैं, जैसे पीपल, बरगद एवं आम इत्यादि। पीपल है, बरगद है एवं आम इत्यादि।